फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कोको पिल्ली आर्ट के लिए ड्राइंग। ओके, तो इसमें हम दोनों तरफ बॉर्डर ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए आप क्या करोगे, एक कॉर्नर पे ये मेरा बड़ा स्केल है, इतना छोड़ के मैंने मार्जिन ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर ड्रॉ ट्रायंगल्स। ये मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किए, इसके लिए मैंने कोई मेजरमेंट फॉलो नहीं किया, तो ये ट्रायंगल्स। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या करोगे, वेट, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या करोगे, ऐसे करके एक एम लेटर का शेप बनाओगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही ये चारों के अंदर हम एम लेटर बना देंगे, एंड वी विल गिव अ मार्जिन अगेन, तो ये हमारा ऊपर वाला बॉर्डर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही नीचे के साइड पे, नीचे साइड पे आप क्या करोगे, पहले थोड़ा सा मार्जिन दोगे, डबल लाइन, ठीक है। अब आप फिर से, दिस इज़ नॉट दैट ब्रॉड, मैंने पूरा स्केल का मार्जिन नहीं लिया है, थोड़ा कम लिया है, अगर आपको पुश नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेंटीमीटर के अराउंड, 1 इंच के अराउंड ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें भी हम सेम करेंगे, हम ऐसे ट्रायंगल्स ड्रॉ कर देंगे पूरे बॉर्डर के अंदर। कोको पिल्ली आर्ट में बहुत इंट्रिकेट ड्राइंग नहीं होता है, थोड़े सिंपल पैटर्न्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है ये। अगेन हम ये एम वाला शेप इसमें डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट करना है। सेम बॉर्डर हमने ऊपर लिया है, सेम बॉर्डर हमने नीचे लिया है। ऊपर पे हमने डबल मार्जिन एक साइड दिया है, नीचे हमने दोनों साइड दिया है। ओके, तो अब ये जो आपका वर्क स्पेस है वो पता चल गया, ये ऊपर बॉर्डर है, ये नीचे बॉर्डर है, अब ये सेंटर में अपने को वर्क करना है, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में आप ऐसे एक सेमी सर्कल बना दोगे। ओके, इस सेमी सर्कल के बाद आप क्या करोगे, एक लाइन ऐसे लेके जाओगे और ऊपर क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के ऐसे सर्कुलर लाइन लाएंगे आप, इसको ऊपर लेके जाओगे थोड़ा सा कॉनिकल, फिर ऐसे नीचे लेके आओगे, फिर ऊपर लेके जाओगे आप ऐसे कॉनिकल, ठीक है, फिर ऐसे लेके आओगे, और ये जो स्पेस है इसके अंदर हम ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये डिज़ाइन आएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट किया ऊपर नीचे और ये क्लोज, और इसके बीच में एक ट्रायंगल। अब आप क्या करेंगे, थोड़ी सी दूरी पे ओके, अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, ओके, ये जो है इनका सन पैटर्न है। अब हर एक के अंदर आप ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करोगे, ओके,
अभी जब आपने दो लाइंस को आपने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? आई थिंक नाउ इट्स मोर विजिबल टू यू। अब आपने ये यहाँ पे ऐसे करके छोटा सा ट्रायंगल देके ऐसे शेप आ गई। ओके, तो ये सेम शेप आपको हर एक के अंदर ये ऐसे बनाने, यहाँ भी ऐसे आएगा, यहाँ भी ऐसे आएगा, सेम पैटर्न आप फॉलो करते रहोगे। यहाँ पे स्पेस कम है तो ओनली वन विल कम एंड दिस साइड आल्सो वन विल कम। ओके, यहाँ तक हो गया। इस चीज को आप डबल लाइन देंगे, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर हो गया। अब हमारा ये नीचे वाला कॉर्नर, यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ओके, उसके बाद हमको फोर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, तो ये टू, ये थ्री, ये फोर, ठीक है? और एंड के अंदर ये सर्कल तो नहीं आएगा, ये सेमी सर्कल जितने आ पाएगा, फाइव हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव लाइंस हमने ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ से आप लोगे जैसे फायर के वो नहीं, हम फायर ड्रॉ करते हैं उस तरीके से जो पैटर्न हम बनाते हैं ऐसे रैंडम सिंपल, ठीक है? ये ऐसे आ जाएगा, हो गया। अब हम अपना सेंटर फिगर लेंगे। ओके, उसके बाद हम दूसरा वाला बनाएंगे। तो सेंटर फिगर के लिए एक मिनट, हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारा सेंटर फिगर है वो ऐसा कुछ बनेगा। क्या करोगे आप लोग इसके लिए, आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है? ये दिख रहा है आपको, ऐसा एक शेप ले लो आप, ठीक है? ये कैसा शेप हो गया आपका, आप सर्कल भी ले सकते हो, टेक सर्कल। अब उस सर्कल के ऊपर आप क्या करोगे, ऐसे करके, ठीक है? ये इनके हेयर्स इस तरीके से होते हैं, ये जो कर्व लाइंस का पैटर्न होता है, ठीक है? आईज के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सर्कल देना है। अब इसका बॉडी आएगा, ठीक है? तो बॉडी के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे, मैं आपको रफ से बताती हूँ पहले, आप ऐसे करके एक ट्रायंगल शेप बना दोगे। कर्व ट्रायंगल्स होते हैं जो, ठीक है? अब इसके अंदर फिर से एक ट्रायंगल और बना दोगे छोटा, और ये नीचे डायमंड शेप्स हैं। अभी यहाँ डायमंड नहीं आ सकता, तो अब इधर हमने ट्रायंगल शेप बना दिया। ओके, इसके अंदर क्या आ रहा है, जो पैटर्न हम लेंगे ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल, ऐसे ही इसके अंदर भी ऐसे करके ट्रायंगल्स, ठीक है? अब ये इतना वन फिंगर डिस्टेंस छोड़ के आप ऐसे करके हैंड्स बनाओगे इसके। ओके, और ये ऐसे करके इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो आ जाएगा। ओके,
इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम डबल आउटलाइन देंगे ऐसे करके, और इसमें कॉर्नर में हम पैटर्न भी देंगे। और यहाँ पे हम ऐसे छोटे छोटे लीफ का डिज़ाइन देंगे। लीफ कैसे बनाओगे आप? यू बनाया और ये क्लोज कर दिया एंड में सिंगल लीफ, तो इसके अंदर का पैटर्न हो गया। अब हमको लेग्स बनाना है। लेग्स क्या करोगे, या जहाँ एंड हुआ है यहाँ से थोड़ा ऊपर से ऐसे कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, और ऐसे सिंपल वाला पैर, ठीक है। अभी जहाँ आपकी ये ड्रेस ख़त्म हुई थी वहाँ से ऐसे करके एक लाइन आ जाएगी। अब जहाँ ये लाइन ख़त्म हो रही है, जैसे ये, यहाँ से ऐसे करके इसका पैर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जहाँ ये अपना ये फर्स्ट लेग हुआ था, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा कर्व दोगे और ऐसे करके इसका लेग ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा बेसिक बॉडी बन गया, जो हमारा सेंटर फिगर था, ठीक है। अब इसको अंदर की तरफ ऐसे कर दोगे थोड़ा सा, बस ये हो गया। अब यहाँ पे हमको एक ट्री ड्रॉ करना है, ओके। तो अब ट्री के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ सबसे नीचे से आप लोगे, ये कर्व करते हैं, ठीक है। अब इसको ही हम डबल देंगे, ऊपर आते आते ये ऐसे पतला हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ये ट्री। अब इस ट्री पे आप क्या करेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे कर्व लाइंस दे देंगे ऐसे करके, ठीक है। एक जगह पे आप क्या करोगे, ऐसे लाइन बनाओगे और ऐसे करके लीफ बना दोगे। इस लीफ को भी आप डबल लाइन कर दोगे ऐसे करके, ओके। ऐसे ही ये साइड पे भी आएगा एक कर्व, इनकी ब्रांचेस हैं जो हम कर्व लाइन से शो कर रहे हैं, इनका अपना तरीका है पैटर्न्स बनाने का, चीज़ें बनाने का। आगे हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक लीफ दे देंगे, ठीक है। स्लीव के इधर और इधर ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये डबल लाइन दे देंगे। यहाँ में हम क्या करेंगे, हम एक स्पाइडर ड्रॉ करेंगे इस, क्योंकि ये भी एक पोक आर्ट जैसे ही है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन इसके नीचे एक ऐसे करके ट्रायंगल आ जाएगा, ओके। इस ट्रायंगल के नीचे एक डायमंड शेप बनाएंगे, इस डायमंड शेप को आप डबल आउटलाइन देंगे, ओके। फिर से एक थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन और ये डायमंड शेप। अब क्या करेंगे, वन और ये स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे और ये ऊपर साइड, दो नीचे जाएंगे और दो जो हैं ऊपर जाएंगे, ऐसे ये यहाँ से दो नीचे जाएंगी लेग्स और दो लेग्स ऊपर जाएंगे, ओके। तो ये हमारा स्पाइडर बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रह गया है, यहाँ भी हम एक पैटर्न देंगे। यहाँ पे आप ऐसे एक लाइन बनाओगे और इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, वन टू थ्री, आप थोड़ा स्पेस लेके करना, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है। और अंदर अपन ठीक है,
इसको ऊपर लाएंगे और ऐसे कर्व दे देंगे ऐसा। इसको भी आप डबल लाइन करोगे, ऐसे ऊपर लाओगे और ऐसे करके कर्व दे दो। ओके, अब क्या है ये, यहाँ से ऐसे फिर से एक सेमी सर्कल जैसा आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ से कर्व करेंगे और ये यहाँ पे इसको चौड़ा रखेंगे, थोड़ा अजीब सा शेप है ये, और ये ऊपर की तरफ से ऐसे फिर से कर्व बना देंगे ऐसे, ठीक है। ये जो साइड है इसका, यहाँ पे एक सर्कल देंगे और ये जो एरिया है इसको अपन ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर्व कर देंगे। ओके, तो ये हमारा ड्राइंग हो गया है कोको पिली आर्ट का। आप इसको प्रिपेयर करके रखेंगे, ये है हमारा कंप्लीट ड्राइंग। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ एक मिनट। तो ये पूरा कंप्लीट ड्राइंग है हमारा, ये बॉर्डर्स हैं, ये मेन फिगर है, ये ट्री है, ये इनका सन का तरीका है, ऊपर बॉर्डर है। तो आप लोग इसको कंप्लीट करके रखिए एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।